हेडिंग डालना एक्सप्रेशन ऑफ एंथाल्पी चेंज. ओके, अब जरा ध्यान देना. सबसे फर्स्ट, फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस यहां पे सबसे पहले H का हमने अभी फॉर्मूला किया था, इट इज व्हाट, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम का जो वर्क डन है, इन दोनों का क्या रहेगा सम. ओके, H जो रहेगा ये इक्वल टू यू रहेगा, प्रेशर वॉल्यूम के बदले यहां पे एन आर टी सब्स्टिट्यूट कर सकते. आइडियल गैस के लिए आपको पता है, आइडियल गैस के लिए यू क्या रहता है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. ये पार्ट पे भी आप नोटिस कर सकते हो, आपका नंबर ऑफ मोल्स आर ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, यहां पे यू जो है ये क्या रहेगा फंक्शन ऑफ, सॉरी यू ने ये भी क्या रहेगा एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रहेगा. जस्ट यहां पे ये आप कब कंसिडर करोगे आइडियल गैस के लिए, तो इससे आप क्या बोल सकते हो कि आपका एच जो रहेगा ये भी क्या रहेगा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रहेगा. कब, जब गैस क्या रहेगा आइडियल रहेगा. अब सपोज गैस आइडियल नहीं है, ठीक है, इधर लिख सकते हो फॉर रियल गैस या फिर सॉलिड कॉमा लिक्विड इन जनरल. ओके, तो एच जो रहता है ये क्या रहता है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर रहता है. यू जब हमने किया था तो यू क्या है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, किसके लिए, रियल गैस के लिए. ओके, तो यहां पे हमने कैसे वो एक्सप्रेशन लिखा था, यहां पे हमने क्या किया था डी यू ये इक्वल टू क्या था, इट वॉज चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कंसिडरिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट. ये हमने किसके लिए किया था, को रिमाइंड कर रहा हूं जस्ट, एंड यहां पे क्या आता था डी टी प्लस इधर क्या होता था चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपॉन यहां पे क्या आएगा चेंज इन वॉल्यूम, यहां पे इट वॉज डी वी, यहां पे क्या था आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट था ये वाले पार्ट में. सेम चीज आप यहां पे करोगे, आपको चेंज इन एंथाल्पी चाहिए. ओके, तो चेंज इन एंथाल्पी आप कैसे ढूंढोगे, यहां पे रहेगा डी एच, क्या वेरिएबल कंसिडर कर रहे हो टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट किसको रख रहे हो, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख रहे हो, सॉरी प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखोगे यहां पे प्रेशर कॉन्स्टेंट आएगा, एंड यहां पे साइड क्या आएगा डी टी आएगा, प्लस यहां पे क्या रहेगा चेंज इन एंथाल्पी, प्रेशर डिफरेंट रहेगा, यहां पे आपका टेम्परेचर को हम लोग कॉन्स्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, यहां पे क्या आएगा डी. आई होप इसमें डाउट नहीं हो, अगर डाउट है तो पूछ लेना, क्लियर आउट. ठीक है, अब यहां पे जब हमने ये डी यू वाला पार्ट सॉल्व किया था तब आइडियल गैस के लिए ध्यान देना, आइडियल गैस के लिए ये जो डेल यू अपॉन डेल वी वाला पार्ट था आपको पता है वॉल्यूम इसमें कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसको हमने क्या कंसिडर किया था, जीरो कंसिडर किया था, प्लस यहां पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, इसको हमने क्या कंसिडर किया था यहां पे डेल यू डेल टी, वॉल्यूम जो कॉन्स्टेंट था इसको भी कंसिडर इट एट वॉज, इसको हम लोग ने कंसिडर किया था सी वी. सेम चीज आप यहां पे करोगे, यहां पे आप क्या करोगे, ये वाला जो पार्ट है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट, इसको आप क्या लिखोगे सी पी लिखोगे इंस्टेड ऑफ सी वी, कि प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट प्रेशर के लिए सी पी लेते, यहां पे डी टी आएगा, प्लस ये क्या रहेगा डेल एच अपॉन डेल पी
यहाँ पे टेम्परेचर जो रहेगा ये कांस्टेंट रहेगा एंड यहाँ पे क्या रहेगा डीपी, ये आपका क्या रहेगा ये। तो ये एक्सप्रेशन से रिलेटेड अभी हम लोग आगे का पार्ट करेंगे। सेम हमने आइडियल गैस के लिए किया था, यहाँ पे हमारा जो एक्सप्रेशन था डीयू का, दिस वॉज कमिंग आउट टू बी सीवी इंटू डेल्टा टी प्लस डेल यू अपॉन डेल वी, यहाँ पे डी वी डिपिंग टेम्परेचर। तभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लिए करेंगे, ये इधर तक लिख लेना। केस वन फॉर आइडियल गैस, ठीक। उससे पहले मैं एक्सप्रेशन साइड में लिख के रखता हूं, दैट इज डेल एच इक्वल टू रहेगा यहाँ पे इट विल बी, यहाँ पे इट विल बी सी पी डी टी प्लस यहाँ पे रहेगा डेल एच अपॉन यहाँ पे रहेगा डेल पी कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ओके, अब आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए आपका एच जो रहेगा इट विल ओनली बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यहाँ पे डेल एच अपॉन डेल पी कीपिंग टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, जिसके वजह से आपका जो एक्सप्रेशन है डी एच ये इक्वल टू क्या रहेगा सीपी इंटू डेल्टा टी। ये एक्सप्रेशन कब यूज करोगे जब आपका एन कितना रहेगा वन मोल, सपोज आप यूज कर रहे हो एन मोल्स, तो ये जो एक्सप्रेशन है डेल एच का ये इक्वल टू क्या रहेगा एन सीपी डेल्टा टी। सपोज आपको टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए तो यहाँ पे यूज करोगे एन इंटीग्रल ऑफ टेम्परेचर टी वन से लेके कहाँ तक टी टू तक, यहाँ पे रहेगा सीपी इंटू डेल्टा टी। ये कब आप यूज करोगे जब आपका सीपी रहेगा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर चेंज होने के साथ आपका सीपी भी चेंज हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अगर आपका एक्सप्रेशन में सीपी कांस्टेंट है तो सीपी बाहर आ जाएगा, डेल्टी अंदर रहेगा, यहाँ पे रहेगा टी वन यहाँ पे रहेगा टी टू, ये आप कब यूज करोगे जब आपका सीपी क्या रहेगा कांस्टेंट, तो वो क्या होएगा इंटीग्रल के बाहर निकल आ जाएगा। ओके, अब केस टू, केस टू आप किसके लिए यूज करते हो फॉर रियल गैस। अब रियल गैस के लिए क्या होता है, अंडरगोइंग आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पे याद रखना प्रेशर कांस्टेंट। लास्ट टाइम हमने रियल गैस फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस लिया था, यहाँ पे हम लोग रियल गैस लेते हैं आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। तो आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब क्या रहेगा, डेल पी मतलब चेंज इन प्रेशर, ये क्या हो जाएगा जीरो बन जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये एंटायर पार्ट क्या बन जाएगा जीरो, कि चेंज इन प्रेशर इज जीरो। यहाँ पे आपका जो डेल एच है ये क्या होएगा सीपी इंटू डेल्टा टी, कब जब आपका एन इक्वल टू क्या रहेगा वन मोल। सिमिलरली आपका डेल एच ये इक्वल टू क्या रहेगा एन सीपी डेल्टा टी फॉर हाउ मेनी मोल्स एन मोल्स। सिमिलरली आपका जो डेल एच रहेगा ये इक्वल टू रहेगा एन यहाँ पे सीपी इंटू डेल्टा टी, टेम्परेचर विल बी फ्रॉम टी टू टू टी वन, ये आप कब यूज करते हो जब आपका सीपी क्या रहेगा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सेम विद डेल एच, अगर आपका सीपी कांस्टेंट है तो सीपी को आप बाहर लोगे, यहाँ पे रहेगा फ्रॉम टी वन टू टी टू पे डी टी, ये आप कब यूज करोगे जब आपका सीपी क्या रहेगा जो लास्ट टाइम किया था वही है। तो केस नंबर थ्री क्या है, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। ओके, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए क्या स्पेशल है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए आपको पता रहना चाहिए, यहां पे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, तो यहां पे क्या होगा कोई प्रेशर का चेंज नहीं होगा अगर आप टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखोगे।
तो इसका जो भी वैल्यू आएगा ये इक्वल टू जीरो होएगा। ओके अब नेक्स्ट, यहाँ पे ये भी क्या होएगा, डेल एच इक्वल टू क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा सीपी इंटू डी टी। इसमें स्पेशल प्रॉपर्टी है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए सी इक्वल टू सी वी इक्वल टू सी पी रहता है, तीनों वैल्यू सेम ही रहते हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड के लिए। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एन सी, यहाँ पे आप डेल्टा टी लिख सकते हो। अगर एवरेज चेंज निकालना है तो ये इक्वल टू रहेगा एन, यहाँ पे आप इंटीग्रल का साइन डालोगे, सी डी टी होएगा। टेम्परेचर फ्रॉम टी वन टू टी टू चेंज हो रहा है, यहाँ पे बस एक ही चीज है, आपका C जो है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर रहना चाहिए। अगर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर नहीं है, कांस्टेंट है C का वैल्यू, तो यहाँ पे क्या होएगा, C इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा dT रहेगा। वो भी ये वाला पार्ट रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। सबसे पहले एच का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू रहेगा यू प्लस पी वी रहेगा। अगर आपको चेंज इन डेल्टा एच चाहिए तो ये इक्वल टू क्या रहेगा, चेंज इन डेल्टा यू प्लस चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम। यहाँ पे आप कैसे लिख सकते हो इसको, डेल एच इक्वल टू डेल यू, यहाँ पे फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम। ओके तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन नंबर वन हो गया ये वाले। अब ध्यान देना, अब ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे, ठीक है याद रखना, ये फॉर्मूला नंबर वन आप कब यूज करोगे, तो इधर लिखना इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डेटा ऑफ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट इज नोन, तो ये हमें ऑलरेडी पता रहता है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, वन यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट वाला पार्ट दैट इज हम लोग इधर लिखेंगे फॉर्मूला नंबर टू, ओके अभी फॉर्मूला नंबर टू कब यूज करोगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप यहां पे लिख सकते हो फॉर आइडियल गैस अंडरगोइंग एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस अंडरगो करता है। तो यहां पे व्हाट यू कैन डू इज डेल एच इक्वल टू क्या रहेगा, डेल यू प्लस यहां पे क्या आएगा, डेल पीवी आएगा। अब आपको पता है आइडियल गैस के लिए पीवी इक्वल टू क्या रहेगा, एन इंटू आर इंटू टी रहेगा। तो व्हाट यू कैन डू इज यहां पे डेल एच इक्वल टू डेल यू, पीवी के बदले यू कैन राइट एन आर टी। यहां पे वॉट यू कैन डू इज एन आर इज अ कॉन्स्टेंट, तो एन आर वाले पार्ट को वॉट यू कैन डू इज यू कैन टेक इट आउट, यहां पे क्या रहेगा डेल्टा टी रहेगा। ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर जो आपको याद रखना। इसमें और एक एक चीज है, इसका सब पार्ट है, सब पार्ट है, तो ये ध्यान देना, इफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे पहले क्या होएगा, आपका जो डेल्टी वाला पार्ट है चेंज इन टेम्परेचर तो जीरो रहेगा, फिर आपको ये पता है आइडियल गैस के लिए इंटरनर्जी क्या है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो अगर आपका टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है तो आपका U भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। U कांस्टेंट है इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो होएगा ही नहीं,
आपका यू का वैल्यू सेम रहने के वजह से यू चेंज ही नहीं होएगा। यू चेंज नहीं होने का मतलब क्या है कि डेल्टा यू क्या रहेगा, जीरो। सेम भी आपका एच, एच भी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, ये भी क्या है, कॉन्स्टेंट है, जिसकी वजह से आपका डेल एच का वैल्यू भी क्या रहेगा, जीरो। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज फॉर्मूला टू में। ओके, तो यहां पे लिखो फॉर्मूला नंबर थ्री। अभी फॉर्मूला नंबर थ्री आप कब यूज करोगे, तो यहां पे लिखना फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज, ओके, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए, तो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो यहां पे फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा एच इक्वल टू रहेगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी भी रहेगा। अब वापस यहां पे क्या, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे भी आपका डेल एच एंड डेल यू क्या बन जाएगा, जीरो। तो आपको लिखना लिख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो समझाने के लिए समझो। इंपॉर्टेंट इज द फॉर्मूला नंबर फोर वाला पार्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज फॉर रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस। एंड ये गैस को आप क्या कंसिडर कर रहे हो, तो ये गैस को आप कंसिडर कर रहे हो, यहाँ पे आप ले सकते हो गैसेस आइडियल। तो यहाँ पे सबसे पहले डेल पी वी ये इक्वल टू क्या रहेगा, डेल एन आर टी रहेगा, इसके लिए फॉर गैसेस के लिए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के लिए चेंज इन प्रेशर वॉल्यूम क्या रहता है, इट इज नियरली इक्वल टू जीरो। ओके, अब नेक्स्ट ये जो नया फॉर्मूला है, दैट विल बी डेल्टा एच इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा यू। यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कॉन्स्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा डेल्टा आर टी, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक सेकंड लिखना, वैसे लिखो डेल्टा एन टी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे एन जी जो रहेगा ये इक्वल टू रहेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। एक एग्जांपल में यहां पे चाहे तो दिखा के देता हूं एनजी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सपोज यहां पे आपका एक्स सॉलिड है प्लस टू वाई गैस है, ये सपोज यहां पे फॉर्म करता है जेड ऑफ गैस प्लस यहाँ पे 3p ऑफ गैस फॉर्म करता है, तो आप ng कैसे कैलकुलेट करोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे कितना है 3 है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज 1 प्लस 3 माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। इसको आप काउंट करोगे क्या, नहीं, क्यों नहीं काउंट करते, क्योंकि ये सॉलिड में है, गैस में कौन है, यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस 2 करोगे Ng का वैल्यू 4 माइनस 2 आएगा, विच इज इक्वल टू, एग्जाम्पल भी